कुदरत का कहर उत्तराखंड में भी दिखा है। चमोली में हेमकुंड साहिब मार्ग पर बारिश से बुरा हाल हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश के साथ साथ मलबा बुलना गांव में आ चुका है। घरों में पानी है, चलती गाड़ियां दलदल में फंस गई हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, हेमकुंड साहिब की तस्वीरें हैं, चमोली के हेमकुंड साहिब की। बुलना गांव हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव है और ये देखिए किस तरह से पहाड़ का हिस्सा टूट कर नीचे गिरा है। तो टूरिस्ट स्पॉट मसूरी के केम्प्टी फॉल में भी सड़क पर पहाड़ गिरा हुआ है। केम्प्टी फॉल की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पर्यटक काफी संख्या में यहां घूमने के लिए जाते हैं और कई पर्यटक बताए जा रहे हैं कि वहां फंस भी गए हैं जब पहाड़ का हिस्सा गिरा था वहां पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल की राजधानी शिमला की करते हैं जहां बारिश का कहर लगातार जारी है। हर साल की तुलना में इस साल यहां पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। लोगों को इससे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर की है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार बारिश और तूफान की वजह से यहाँ पेड़ गिर गए हैं। पेड़ गिरने की वजह से ऑफिस के बाहर खड़ी करीब आधा दर्जन कारें बर्बाद हो गई हैं। ये पेड़ इन कारों पर आ गिरे और कारों को नुकसान पहुंचा है, रास्ता भी जाम हो गया है। आने जाने वालों की भीड़ यहाँ पर लग गई है। बाद में किसी तरह पेड़ काट कर रास्ते को साफ किया गया। और मौसम विभाग का कहना है कि करीब 13 साल बाद शिमला में ऐसी बारिश हुई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई। 5 डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है। और जो पिछले 24 घंटों में पूरे सिटी में, शिमला सिटी में जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो 118.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो कि ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा जो 24 घंटे में बारिश रिकॉर्ड किए गए थे शिमला में, वो 2005 में थी, 108.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और उसके बाद 13 साल के बाद अभी जो है वो जो पुराना रिकॉर्ड था हाईएस्ट वाला, वो जो ब्रेक हुआ है। उसके बाद जो 5 तारीख से बारिश में काफ़ी कमी आएगी, सिर्फ स्कैटर्ड प्लेसेस पे बारिश होगी। और उसके बाद जो मानसून है रिएक्टिव हुआ 9 जुलाई से हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल के बाद आइए एक बार फिर से रुक जम्मू कश्मीर का करते हैं। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों में करीब एक हफ्ते से बारिश हो रही है और लगातार बारिश की वजह से लोगों को यहां काफी दिक्कतें हो रही है। देखिए तेज बारिश, कई स्कूलों में तो छुट्टी भी कर दी गई है। बारिश की ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की तस्वीरें हैं। यहाँ लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। आने जाने वालों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो पिछले एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मुसीबतें पैदा होती हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और अगले 48 घंटे और भारी पड़ सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।